हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं 27 फरवरी 2018 के करंट अफेयर्स क्विज। आइए देखते हैं, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन आइए देखते हैं। 12 क्वेश्चंस हैं। पहला है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस रंग का विशेष आधार कार्ड जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आने वाले एग्जाम्स के लिए। आइए देखते हैं ऑप्शंस। पहला है लाल, दूसरा है नीला और तीसरा है हरा। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे UIDAI बोलते हैं, ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस रंग का विशेष आधार कार्ड जारी किया है। तो बी ऑप्शन ये है, नीली कलर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में चीफ ऑफ स्टाफ सहित सैन्य कमांडरों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है दक्षिण कोरिया, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है सऊदी अरब और चौथा है मोरक्को। तो इसमें हाल ही में किस देश में चीफ ऑफ स्टाफ सहित सैन्य कमांडरों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये है सी ऑप्शन, सऊदी अरब। सी ऑप्शन है सऊदी अरब। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। नागालैंड में 27 फरवरी 2018 को कितनी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इसमें है 59, दूसरा है 50, तीसरा है 42 और चौथा है 12। तो नागालैंड और मेघालय में जो है टोटल 60 सीटें हैं दोनों में, नागालैंड और मेघालय में। नागालैंड और मेघालय में जो है 60 60 सीटें हैं दोनों राज्यों में, लेकिन वह दोनों राज्यों में एक नेता की डेथ हो जाने के लिए, जो स्थानीय नेता था जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसीलिए 59 59 सीटों पर जो है चुनाव हो रहा है। तो नागालैंड में कितनी सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए गए हैं। ए ऑप्शन, 59 सीटों के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टिकाऊ जैव ईंधन पर 26 और 27 फरवरी 2018 को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। आइए 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला है बेंगलोर, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कोलकाता और चौथा है नई दिल्ली। हाल ही में टिकाऊ जैव ईंधन पर 26 और 27 फरवरी 2018 को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ये है नई दिल्ली में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव ईंधन पर जो है 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में पूछा जाएगा ऐसे ही। आइए अगले देखते हैं। HSBC द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार विश्व के किस शहर में विदेशियों को सबसे अधिक सैलरी मिलती है। आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला है बीजिंग, दूसरा है मुंबई, तीसरा है टोक्यो और चौथा है न्यूयॉर्क। तो HSBC द्वारा कराए गए एक सर्वे में विश्व के किस शहर में विदेशियों को सर्वाधिक सैलरी मिलती है। तो ये बी ऑप्शन, मुंबई में। मुंबई में जो है विदेशियों को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। आइए अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला देखते हैं कनाडा, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत, चौथा ब्राजील। तो ये कनाडा। कनाडा में जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक चीन जल्द ही किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन जाएगा। तो देखते हैं, इसका पहला अमेरिका है, दूसरा नेपाल, तीसरा भारत, चौथा रूस है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक चीन जल्द ही किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़ा परमाणु शक्ति बन जाएगा। तो ए ऑप्शन है अमेरिका को। अमेरिका को जल्दी पीछे छोड़कर चीन जो है दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन जाएगा। ये है इंटरनेशनल एएनजी एजेंसी की, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। आइए अगला देखते हैं। भारती भास्कर बॉक्सर, तो इसमें ये याद रखिएगा, विकास कृष्ण किससे संबंधित है। आजकल एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है खिलाड़ियों का नाम देके उनसे किस खेल से संबंधित है। तो विकास कृष्ण का नाम इस समय मीडिया में बहुत ज़्यादा है। तो भारती बॉक्सर जो है, ये विकास कृष्ण क्या है, बॉक्सर है। ने सोफिया जो बुल्गारिया में है
69वें स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो देखते हैं, ऑप्शन रजत पदक, दूसरा स्वर्ण पदक, तीसरा कांस्य पदक, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इन्हें स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय भास्कर बॉक्सर विकास कृष्ण ने सोफिया के बुल्गारिया में 69वें स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, बी ऑप्शन। आइए देखते हैं नवा क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2018 में सर्वोच्च पदक हासिल किए हैं? तो देखते हैं ऑप्शन। पहला है नॉर्वे, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है भारत। तो यह नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक 2018 में सर्वोच्च पदक किसने जीते हैं? नॉर्वे ने। इसने स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? स्वर्ण 14। सिल्वर कितने जीते हैं, मतलब रजत, रजत कितने जीते हैं? 14। और कांस्य कितना जीता है? 11। तो टोटल जो है, टोटल 39 पदक जीता है नॉर्वे। और नॉर्वे शीतकालीन ओलंपिक 2018 में, जो दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ है, दक्षिण कोरिया में, तो इसमें नॉर्वे जो है 39 पदक जीता है, जो टॉप है, टॉप सूची में टॉप पे। आइए देखते हैं दसवां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आरंभ किया गया? पहला देखते हैं जयपुर, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा हैदराबाद, चौथा है पटना। ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आरंभ किया गया है? सी हैदराबाद में। याद रखिए, ई गवर्नेंस कहाँ हुआ? हैदराबाद में। ये 21वां जो है राष्ट्रीय सम्मेलन था। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित नई दिल्ली मैराथन में किसने जो है, निम्नलिखित में से किसने जीती है? तो पहला है गोपी थोनाकल, गोपी थोनाकल, दूसरे हैं मनोज भरद्वाज, तीसरे हैं अशोक सिंह, और चौथे इसमें से कोई नहीं। हाल ही में आयोजित नई दिल्ली मैराथन निम्नलिखित में से कितने जीती? तो ये है गोपी थोनाकल। कौन है? गोपी थोनाकल। ये ऑप्शन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मैराथन किसने जीता? गोपी थोनाकल ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं। रेलवे द्वारा हाल ही में जारी एक दिशा निर्देश के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हुई महिला कोटे की सीटों को पहले किस लिस्ट की महिला यात्रियों को दिया जाएगा? देखते हैं, पहले तत्काल लिस्ट, दूसरा वेटिंग लिस्ट, तीसरा है आरएसी लिस्ट, और चौथा इनमें से कोई नहीं। रेलवे द्वारा जारी एक दिशा निर्देश के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हुई महिला कोटे की सीटों को सबसे पहले किसे? तो ही वेटिंग लिस्ट वालों को, वेटिंग लिस्ट वालों को सबसे पहले दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।